हरे कृष्णा फ्रेंड्स, मैं रसली महाजन चंबा हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मेरी ज्वाइंट फैमिली है। 2017 में दोस्तों मैंने गोलक एक्सप्रेस के माध्यम से स्काइप और फोन के थ्रू भागवत गीता पढ़ना स्टार्ट किया। जैसे जैसे मैं भागवत गीता की रीडिंग ले रही थी, वैसे वैसे मुझ में काफ़ी चेंज आने लगे। मेरी बहुत सारी नेगेटिविटी दूर हुई, जैसे मेरा जल्दी गुस्सा करना, बहुत जल्दी हाइपर हो जाना और टेंशन में रहना, सोचते रहना हमेशा फालतू की बातें, बहुत ही कम होने लगा। तो भागवत गीता पढ़ते हुए जो मैंने बहुत कुछ सीखा और कुछ एक लर्निंग जो मैं आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ। दोस्तों, भागवत गीता एक गाइडलाइन बुक है जो हमें जिंदगी जीने का तरीका सिखाती है कि कैसे हम जिंदगी को अच्छे तरीके से जी सकते हैं और परमानेंट खुशी को पा सकते हैं। दोस्तों, मैंने भागवत गीता से सीखा कि हम अपनी जो भी लाइफ की ड्यूटीज हैं, जो भी हमें भगवान ने दी हैं ड्यूटीज, उसको भगवान की सेवा भाव से करें और वो समझ के नहीं करें कि हमें ये ड्यूटीज करनी पड़ रही है। और अगर हम लोग भगवान की खुशी के लिए अपनी ड्यूटीज करेंगे तो वो काम हमारे अच्छे से हो भी पाएंगे और हम लोग सही तरीके से उस काम को कर भी पाएंगे। फ्रेंड्स, जैसे हम लोग लेडीज हैं, अपने शरीर की बनावट के लिए कितना कुछ करते हैं, फेशियल करवाते हैं और बहुत कुछ करवाते हैं, लेकिन हमने कभी आज तक नहीं सोचा कि हम अपनी आत्मा को कैसे शुद्ध करें, आत्मा को कैसे साफ करें। तो जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊंगी, जैसे बाहर से सुंदर दिखने वाली गाड़ी, बाहर से तो बहुत सुंदर लग रही है, लेकिन उसका इंजन ही अगर खराब है तो जो क्या वो जो चालक होगा गाड़ी सही तरीके से चला पाएगा। उसी तरह जब मैंने भागवत गीता पढ़ी तो मुझे लगा कि अगर हमारी आत्मा ही नहीं शुद्ध है तो हम कैसे अपना जीवन बिता सकते हैं सही तरीके से। तो आत्मा को शुद्ध करने के लिए मुझे यही मैंने जाना कि हमें भगवान के साथ अपना कनेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग करना है। इस तरह मैंने भी चैंटिंग करने, जो भी वैरायटी मैं लाई डिवोशन के रास्ते पे, चैंटिंग की, भागवत गीता पढ़ी और वीडियोस देखना, ऐसे शुरू किया कि मुझे लगा कि इसी से हम लोग अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, हम अगर एज ए सोल प्योर होंगे, हम इंटरनल से खुश होंगे तो हम बाहरी तौर से भी खुश हो सकेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे हम लोग मटेरियलिस्ट चीजों में खुशी ढूंढते थे तो वो हमें मिलती नहीं थी, लेकिन भागवत गीता पढ़कर मुझे ये लगा कि हम लोग जो खुशी बाहर की चीजों से ढूंढते थे वो तो हम भगवान के साथ जुड़कर ही खुशी महसूस कर सकते हैं। प्रभु के साथ जितना ज्यादा हम कनेक्शन बनाएंगे वो खुशी हम अंदर से महसूस कर पाएंगे। दोस्तों, भगवान ने भागवत गीता में बहुत स्पष्ट तरीके से हमें समझाया है कि भगवान कहते हैं कि मेरे साथ जुड़ो, जो आपकी कमियां हैं वो मैं दूर करूंगा और जो आपके पास है मैं उसकी रक्षा भी करूंगा। तो इसी तरह भगवान मेरे दोस्तों मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि जो मेरे में कमियां थी, मेरी वीकनेस थी एक, कि मैं किसी के सामने बोल नहीं पाती थी, मैं बहुत हेजिटेशन महसूस करती थी, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो था बहुत ही कम हो गया था। लेकिन जैसे जैसे मैंने भागवत गीता पढ़नी स्टार्ट की तो भगवान ने मेरी ये कमियां भी बहुत दूर की। और इसका साक्षात परिणाम ये है कि मैं जो एक हाउसवाइफ थी, कि मैं एक पर्सन के साथ भी अच्छे से बात नहीं कर पाती थी, और आज के टाइम पे मैं वीडियो के थ्रू आप सबसे बात कर पा रही हूँ। तो यही प्रमाण है कि भगवान हमारी जो कमियों को बिल्कुल दूर कर देते हैं। दोस्तों, जैसे कि समाज में मिसकंसेप्शन है कि ये जो भागवत गीता है हम डेथ स्टेज पे ही जब होंगे तब ही पढ़ी जाएगी, लेकिन ये धारणा बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ये तो हमें लाइफ जीने का तरीका सिखाती है कि हमें अपनी लाइफ को कैसे जीना है। दोस्तों, जैसे मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत टाइम लगा दिया इस बात को समझने के लिए, तो आगे मैं बच्चों को भी यही समझाती हूँ कि बेटा, जैसे आपके लिए स्टडी जरूरी है ना, वैसे ही भागवत गीता हमें शुरू से ही बच्चों को बतानी है। कि कोई स्कूल, कोई कॉलेज ये नहीं बताता कि हमें अपनी लाइफ को कैसे जीना है। अपनी लाइफ को अगर हमने अच्छे तरीके से जीना है तो हमें भगवान के साथ जुड़ना ही होगा। तो मैं आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगी कि दोस्तों, कि आप भी किसी ना किसी माध्यम के द्वारा आप भागवत गीता पढ़ना स्टार्ट करो, और जो खुशी मैं अपनी लाइफ में ले रही हूँ आप सबकी भी लाइफ में वो खुशी आए। तो दोस्तों, लास्ट में यही मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी भगवान के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कीजिए, किसी ना किसी थ्रू
की भागवत गीता पढ़े और भगवान के साथ अपना एक अटूट रिश्ता बनाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, राम राम हरे हरे।